हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने ही चैनल पर, जहां आपको मिलती है बहुत ही कमाल की रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, विंटर चल ही रहा है, ऐसे में आपकी स्किन अपना मॉइस्चर खोने लगती है, नरिशमेंट खोने लगती है, काफी ड्राई हो जाती है। और आपकी स्किन जब ड्राई होती है तो जो पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर डैंड्रफ के कारण इचिनेस आती है और फिर हमारी आईब्रो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि है एक आईब्रो ग्रोथ ऑयल, जिसे आप रोजाना अगर इस्तेमाल करेंगे आपकी जो आईब्रो है वो घनी बनी रहेगी, उसमें मॉइस्चर रहेगा, नरिशमेंट रहेगा। और ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है जो कि बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करती है, और इसका रिजल्ट ऑसम आपको मिलने वाले हैं, और बनाना भी बहुत आसान है। तो ये आज का नुस्खा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, कि अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी याद से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये बेहतरीन नुस्खा बनाना वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए बिल्कुल नेचुरल चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है ये जिंजर आदि, जिसे हम कहते हैं। बाल बढ़ाने का ये काम करता है, साथ ही साथ बालों को जड़ से मजबूत बनाने में भी मदद करता है, और ये आपके बालों को टूटने से भी बचाती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ली है गार्लिक, यानी कि लहसुन। तो फ्रेंड्स, ये जो लहसुन का ऑयल होता है वो हेयर ऑयल में भी यूज किया जाता है, और क्योंकि इसके अंदर हेयर फॉल कंट्रोलिंग एजेंट पाया जाता है तो आपके हेयर को जड़ से मजबूत बनाता है। तो अभी हम इसे ग्रेट करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप इसे पीसेस में भी काट सकते हैं या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इस ऑयल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमने गैस पर पैन रखा है और इसके अंदर 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल डालेंगे, और इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं उन सबको ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है, ज्यादा गर्म नहीं करना है इस ऑयल को, सिर्फ उतना ही गर्म करना है जितना में ये जो इंग्रेडिएंट है उनके सारे बेनिफिट इस ऑयल में आ जाएं। तो हमें इस ऑयल को बिल्कुल ज्यादा नहीं पकाना है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से पकाया है बस इतना ही आपको पकाना है, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। और ये जो गर्म गर्म ऑयल है उसके अंदर ही इंग्रेडिएंट इजिली अपने सारे बेनिफिट छोड़ देंगे। तो आपको बता दूं कि गैस का फ्लेम मैं बंद कर चुकी हूं, और इनको हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेयर करना है ताकि ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जले ना। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं वो है सिसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों ऑयल काफी ही ज्यादा अच्छे होते हैं, दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप मिला सकते हैं। हल्का सा हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे लो फ्लेम पर रखकर पका देंगे ताकि जो तिल का तेल है वो थोड़ा सा पक जाए। तो बस 10 सेकंड के लिए आपको गैस का फ्लेम दोबारा से ऑन करना है ताकि ये जो ऑयल है वो थोड़ा सा एक बार गर्म हो जाए दोबारा से, और जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से ऑयल के अंदर मिल पाए। फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल भी आपके नेचुरल मॉइस्चर को बनाए रखता है स्किन के अंदर, और इसमें विटामिन्स होते हैं जो कि आपके बालों का झड़ना रोकते हैं। और सेसमी ऑयल की तो क्या बात करूं, ये स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाने वाला ऑयल है, और एक चीज इसकी ये खासियत है कि हर स्किन टाइप पर ये सूट करती है। ये पोर्स को डीपली नरिश करता है जिससे कि नए नए हेयर की रिग्रोथ होती है। इसमें विटामिन ई, बी और डी होते हैं जो कि लुकिंग आईब्रो को प्रमोट करते हैं। जरूर इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है आपको। तो अभी देखिए, गैस का फ्लेम हमने 10 सेकंड के बाद ऑफ कर दिया था। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट है इसे हम ऑयल के अंदर ही छोड़ देंगे लगभग 30 से 45 मिनट के लिए, और 45 मिनट के बाद हम सेपरेट कर लेंगे इस ऑयल को इंग्रेडिएंट से। तो अब हम इसे छान कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अमेजिंग बेनिफिट्स वाला आईब्रो ग्रोथ ऑयल बनकर तैयार हो गया है। अब बात करते हैं आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो आईब्रो ग्रोथ ऑयल है इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक कॉटन का बॉल ले लेना है,
और कॉटन के बॉल को रेमेडी में डिप करके अपने आईब्रो पर अप्लाई करना है। जब भी आप रात में सोने जाएं, उससे लगभग 30 से 35 मिनट पहले अपने आईब्रो पर और आपकी जो आईब्रो की जड़ें हैं उन पर आपको इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अच्छे से अपने आईब्रो की रूट पर आपको इसे लगाना है ताकि अच्छे से आपको इसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद आपको मसाज देना है अपने आईब्रो की स्कैल्प पर, जिससे कि रेमेडी अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि 1 से 2 वीक के अंदर ही आपके आईब्रो का झड़ना रुक जाएगा। आपके जो आईब्रो की ग्रोथ रुकी हुई है वो दोबारा से आने शुरू हो जाएगी। अगर कहीं पर गंजापन भी आ गया है वहाँ पर हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने आईब्रो पर अच्छे से मसाज करने के बाद इसे रात भर के लिए अपने आईब्रो पर छोड़ देना है और सुबह में माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेमेडी है और इसके इस्तेमाल से आपके आईब्रो जल्दी से थिक होने लगेंगे। अगर आईब्रो में फॉल आउट हो रही है तो वो भी रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आसान सी रेमेडी जरूर ट्राई करें और सबके साथ शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस रेमेडी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही ज्यादा कामयाब रेमेडी। इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और अगर ये रेमेडी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।